आप देख रहे हैं नेशनल टुडे लाइव धनबाद का लोकप्रिय न्यूज चैनल। मैं हूं सरदा। चलिए खबर की ओर। बीसीसीएल के सेवानिवृत्त निदेशक की पुत्री ने तेतुलतल्ला निवासी कोयला कारोबारी बादल गौतम के खिलाफ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई है। बैक मोड़ पुलिस को बताया कि बादल उसे और उसके प्रेमी संकेत किसनानी को अगवा कर दिल्ली ले गया और कई बार उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। 10 लाख रुपया और लाखों का जेवरात भी ले लिया। पुलिस ने बादल पर दुष्कर्म, अपहरण और रंगदारी का मामला दर्ज किया है। बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। चूंकि आप लोग के पास पहुंच गया होगा, मैं आप लोग को इतना ही कहूंगा, आप लोग सपोर्ट करिए, गलत को अंदर करवाइए। प्रशासन पे भी बहुत भरोसा है हम लोग को। तो और जो मीडिया में भी आप लोग आए थे, लड़की आई थी, मुझे तो बयान दी थी बहुत। उस टाइम पे हमको गन पॉइंट पे रख के अनुप्रिया से बयान दिलवाया गया था उनके पिताजी के खिलाफ और भी धनबाद के 2-3 प्रतिष्ठित लोग हैं। किसने रखा था गन? बादल गौतम ने रखवाया था अपने शूटरों के जरिए। और मीडिया बाद में हम लोग आप लोग से पक्का बात करेंगे। मीडिया कर्मी भी एक उसमें इन्वॉल्व है धनबाद के ही, जिनका खुलासा हम लोग बहुत जल्दी करेंगे।